लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे बेटा ये नीचे रख दो। बेटी ये जरा सामान नीचे रख दो मेरा। चलो चलो। अरे 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 बस रुको कंडक्टर, बस रुको। अरे कंडक्टर बस रुको। अरे 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 तेरी ऐसी की तैसी। अरे बस रुक। अरे माई क्या हुआ? तू समझता क्या है, मेरा बच्चा बस के अंदर है, उसको लेकर भाग जाएगा तू? अरे क्या माई, पहले तुम्हें बच्चों को नीचे उतारना चाहिए, फिर सामान उतारना चाहिए, वैसे ही बस 2 घंटे लेट हो गई है। मुझसे ज्यादा होशियारी की बात मत करना, तुम कितने चालू होते हो मुझे पता है। चल हट, यहाँ रख। राजा, ए राजा, कहाँ है मेरा राजा बेटा? ये क्या हो रहा है माई? तू चुप बैठ, मैं अभी ढूंढ के निकालती हूँ। ला 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 ला। शहर आ गया बेटा। बजरंग बली। ये कोई बच्चा है? ए राजा, शहर आ गया बेटा, उठ भी जा। सोने दो ना माँ, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? अरे सोता ही रहेगा क्या, शहर आ गया बोल रही हूँ ना मैं। सचमुच शहर आ गया माँ? अरे राजा बेटा, पता है तू अभी खो गया होता। हाँ, जब मैं बस से उतरकर सामान उतार रही थी तो पता है इस कंडक्टर ने क्या किया? अभी बताती हूँ। डर्र से सीटी बजाई और बस लेके भाग रहा था। बुआ, कौन उल्लू का पटा था बता दो। वो जो देख रहा है ना तुम्हारी तरफ घूर के। क्या बे, उल्लू के पट्टे बहुत ज्यादा चालाक बनता है क्या? आदमियों का ध्यान नहीं रखता और बस लेके भाग जाता है? तो सीट के ऊपर बैठने का नीचे नहीं। चुप कर बदमाश, चुप कर। तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, जरा दिमाग सही रख के काम किया कर। चल बुआ नीचे उतर। ओए लगेज के तो दो। अबे काहे का लगेज पे उल्लू के पट्टे? आ जा बेटा आराम से। हां बुआ आराम से संभाल के जाने दे, आज इसको छोड़ दे। अबे ओ कंडक्टर, ज्यादा चालाकी करेगा तो तेरे बस का टायर वायर सब तोड़ के फेंक दूंगा। ओए बेटा, तू मुझे बात करने देना, यहां के लोग बहुत चालाक होते हैं। भूरे उधर देख रहा है, पूरा लगेज बगेज के साथ लता फता आ रहा है नया बकरा। मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट यही है। कहाँ जाना है? धर्मपुरी, मायापुरी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्म सिटी। अरे क्या करते हो? ए रिक्शा भैया, तू क्या हमको लेके जाएगा रे? हम तुझे लेके जाके बेचाएंगे। जाने दो, अभी ये बताओ कहाँ जाना है? कहाँ जाना है बुआ? शिवपुरी में। हाँ शिवपुरी जाना है। शिवपुरी? शिवपुरी जाना है तो आने जाने का दोनों तरफ का 100 रुपया देना होगा। हाँ भाई। बुआ मैंने कहा था ना, यहाँ के लोग हमको उल्लू बनाएंगे। क्या उल्लू बनाएंगे? उल्लू के पट्टे। गांव में जाने का सिंगल भाड़ा और वहाँ से आने के लिए डबल भाड़ा। क्या बकता है? एक रखा दूंगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हमें नया समझाया क्या? हम भी एजुकेटेड लोग हैं। एक दाम बोलो। अरे अब इससे भी कम क्या बताऊं? देख भाई 20 रुपए दूंगा। और लगेज का? 10 रुपए आने का, 10 रुपए जाने का। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो। क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, तुम दोनों और इतना सामान, इतनी मेहनत करना और कुछ नहीं मिलना, कैसे होगा? चलो चलो। अरे अरे 20 रुपया थोड़ा ज्यादा दे देना भाई। चल चल जाने दे, हम लोग चल के जाएंगे। अरे भाई सुनो,
ये शिवपुरी कहाँ है? शिवपुरी, यही तो शिवपुरी है जहाँ तुम खड़े हो। और कौन सी शिवपुरी? यार हम दूसरा ग्राहक ढूंढेंगे। मेरे भाई शिवपुरी कहाँ है? उसने जो बताया वही है। अभी बताता। अरे हमको छोड़ो, अरे राजा, मुझे जाना है भाई। यही शिवपुरी है लेकिन यहाँ तो झोपड़े थे, ये पक्के मकान कैसे बन गए? झोपड़पट्टी वो तो कब की टूट गई? मैं जब यहाँ गोली खेलता था तभी तोड़ दी गई, अभी तो हम पक्के मकान बन गए हैं। बुआ कोई बात नहीं, सामान रिक्शे में रखो। अरे क्यों भाई? एक रिक्शे वाले ने हमारे साथ चीटिंग की, इसलिए तेरे रिक्शे में बैठकर तेरे को सजा देंगे। इसी में चाय पियेंगे, इसी में शहर घूमेंगे, खाना खाएंगे, इसी में सब कुछ करेंगे। यही है तेरा पनिशमेंट। टर्निंग पॉइंट क्या यही है मेरी लाइफ का? बहुत मस्ती करता है, स्कूल नहीं जाता। आज तेरी अरे ठहरो, अरे ठहरो ठहरो, अरे ठहरो ठहरो, रुक रुक, अरे 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 रुक जा। क्या हुआ बे, इधर लाके क्यों रोक दिया? साहब यही है हमारा ताजमहल एरिया। चलो चलो उतरो उतरो। अरे क्या करते भाई? तेरी तो क्यों मारते भाई? साले बोला था ना इसी रिक्शे में बैठा रहूंगा, उतरूंगा भी नहीं, यही तेरा पनिशमेंट है। अच्छा भाई चलो, जरा जोर से धक्का मारो। देखो मेरे भाई, यही है मेरी उम्र भर की दौलत, यही है मेरी कमाई। देखो देखो उल्लू के पट्टे, ऐसी तारीफ किए जा रहा है, ओपन एयर हवा आ रही है चारों तरफ से, बेतम्बी। अरे साहब साहब साहब, हमको काहे गाली दे रहे हो? हाँ बोलो। अरे मजाक कर रहा था यार। मजाक कर रहे हो? मद्रास में दोस्त भाई कोई नहीं बोलता, बोलते हैं तो तम्बी, मतलब इज्जत का नाम। क्या तुम मद्रास में जाकर आए हो? ये मजाक वहीं सीखकर तो आया हूँ तम्बी। क्या काम से गए थे? पूरे के पूरे मद्रास में हिंदी में बात करने वाला कोई नहीं है, और मेरे गुरुजी को पूरे मद्रास में मुझसे अच्छा हिंदी में बात करने वाला कोई नहीं मिला, और मैंने पूरे मद्रास को हिलाकर रख दिया। तेरे को क्या मालूम मैं क्या चीज हूँ। मद्रास में कितना दिन ठहरे थे? बुआ कितने दिन तक था? तीन दिन था ना? हाँ, तीन दिन। हाँ तीन दिन था, अगर चार दिन रहता तो सबको हिंदी सिखा देता। मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा एडवांस और किराए की बात तो कर ले इससे तू। अबे अरे क्या करते हो, हम भी तो कितना पैसा लगाया हूँ इस मकान में, बोलो उसका क्या? अबे साले कहाँ पैसा लगाया मुझे मालूम है, चल फूट। अरे हमको ही हमारे घर से निकाल रहे हो क्या? अबे फालतू की बकवास कर रहा है भाई, पहले मुझे भीख दे दो, बाहर में इसे मारो। लो किसको, पागल की तरह क्या देख रहा है बे? घर का मालिक कहाँ वो बता। घर का मालिक वही तो था। साले मेरे साथ मजाक कर रहा है, तेरी तो ऐसी की तैसी। हमको क्यों दे रहे हो? उसके यहाँ तीन घर हैं और गांव में 2 एकड़ का फार्म है, समझे क्या? जी 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 जी, मैं इतना एजुकेटेड होकर इस घर में रहूंगा। माँ तुम रिक्शे में बैठो और तुम रिक्शा चलाओ। अरे अरे मेरे भाई, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है यार? तुम्हें भिखारी के घर में रहना है कि नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ। अच्छा चल, रिक्शा वाले के घर में रहेगा क्या? हाँ ठीक है। वो कहाँ है? हम खड़ा हूँ ना, देखो। बुआ वो चाकू तो निकालना। अरे इसको तो मैं अभी यही काट के डालता हूँ। मद्रास में 3 दिन रहकर आया हूँ, मेरे से पंगा लेता है, गेम बजा डालूंगा। कसम से वो घर हमारा ही है भाई। क्या वही घर है? हाँ वही है। तो फिर वो भिखारी कौन था? वो भिखारी मेरा बाप है। बाप था? हाँ 3 महीने पहले तो ये भी भीख मांगता था। हाँ चुप बे, 3 महीने पहले ना, 1 महीना पहले। ए बुआ अब क्या करे? एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट हो जाएंगे, मेरी और बुआ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, समझे? जा चाय लिया। मालिक से ही चाय मंगाएगा? ए, जाओ और लड़की को जल्दी पकड़ कर लाओ। ये जल्दी कर, टाइम नहीं है। कोई आगे नहीं आएगा, और आएगा तो जान से जाएगा। ए, चलो बाजू हटो चलो। बेटा कौन है ये लोग? क्या बताएं, इस एरिया के लोग खतरनाक गुंडा हैं। हाँ यहाँ की बहू बेटियों को ले जाकर बड़े सेठों के पास भेजते हैं। हाँ? छोड़ दो मेरी बेटी को, बेटी को मत ले जाओ, छोड़ दो। छोड़ उसे, छोड़, मैं कहती हूँ छोड़ उसे, तू मुझे जानता नहीं है। चल जा यहाँ से। मैं एक बार समझाती हूँ, 10 बार नहीं तू भी समझ जा। मेरा नाम है रानी, मैं हूँ महारानी, मैं देती हूँ ऐसा झापड़। ए अरे बुआ देख, तेरे लिए मछली लेकर आया हूँ। तू बोली यहाँ मछली नहीं मिलती है, लेकिन देख तेरे लिए कितनी बड़ी मछली लेकर आया हूँ, चल जल्दी से बना दे। अबे मैं यहाँ डिनर की बात कर रहा हूँ और तुम बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। ए बुआ तू इसे फटाफट बना दे, बड़ी जोर की भूख लगी है। अबे क्या डिस्टर्ब कर रहे हो, देखता नहीं मैं बात कर रहा हूँ? अरे ये लोग इस एरिया के गुंडे हैं, ये लड़की को पकड़ के ले जा रहे थे, बुआ ने उसे बचाया तो ये लोग बुआ को भी मार रहे थे। ओहो ए सुन बुआ,
हाँ? तो इसका काम तमाम कर, मैं तब तक इनका काम तमाम करता हूँ। ले जा ले जा ले जा ले जा भैया, इनका 1 2 3 4 कर दो। हाँ ठीक है, देख लेता हूँ। ओ शाबाश, अगर इतनी ताकत है तुम लोगों में तो आ जाओ। क्या रे, 10 लोग मिलकर भी मेरे को नहीं मार सके। अब देख। बनके तैयार हो गई और तेरा 1 2 3 खत्म नहीं हुआ अभी तक। अरे तो बताया क्यों नहीं, अभी फिनिश करता हूँ। यहाँ पर हमारा ही राज चलेगा, समझे? तुम्हारे असिस्टेंट ने? हाँ, मेरा असिस्टेंट। उसको देख रहे हो, मोस्ट पावरफुल लेडी है, जरा उसका आओई कर दो। हाँ देख मैं इसकी क्या हालत करता हूँ, हट। ए निर्मला दीदी, आपका एक रिक्शा खाली है ना, इसको चलाने को दे दो, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। शक्ल से तो लगता है ये रिक्शा पार्सल करने वाला है, चलाने वाला नहीं। हेलो एक्सक्यूज मी, मेरे पैरों में बहुत ताकत है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, पार्सल नहीं करता। मुझे इंटरव्यू लेना पड़ेगा। इंटरव्यू लिया, इंट्रोडक्शन दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मुझे देख, मेरी बॉडी को देख के रिक्शा देना, पावरफुल बॉडी है। इंटरव्यू तो पूछो। जब देखो हंसते हैं। नोट के ऊपर गांधी जी, इंसान को नशा दिलाने वाली चीज शराब की बोतल। जितना भी खाओ फिर भी खाने का मन चाहे दाल और चावल। सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की पीटी उषा। सबसे तीखी चीज कोल्हापुरी मिर्ची। सबसे गुलाबी तुम्हारे होठ। सबसे खूबसूरत तुम्हारा जिस्म। सबसे ठंडा बर्फ। सबसे टेस्टी फिश मसाला। रिक्शा का इम्पोर्टेंट पार्ट चेन होती है। आदमी और औरत में क्या फर्क है? मेरी माँ, मैं ये सब नहीं बता सकता, मुझे माफ कर दो। अरे तू रिक्शा दे या ना दे दीदी, लेकिन तू आदमी औरत का फर्क पूछोगी तो तुझे कौन बताएगा? बोलो। अरे मुझसे मत पूछो। पागल की तरह बात मत कर, कल जिस गुंडे की पिटाई हुई है दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे। पता है वो पिटाई किसने की है? वो नहीं मालूम। मेरे असिस्टेंट ने, उसको पिटाई की ट्रेनिंग मैंने दी है। समझा। रात को गुंडों की पिटाई करने वाला मेरा असिस्टेंट है। वो यही है। असिस्टेंट, एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने का है, जरा अंदर चल के करते हैं। चलो चलो। पूरे इम्पोर्टेंट डिस्कशन अब अंदर होगा।
क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरा पैर छोड़ो। ये देखो, ये मेरा फेवरेट रिक्शा है। अब तक इसे किसी ने नहीं चलाया। पीछे का टायर थोड़ा बड़ा है और आगे का थोड़ा छोटा। मुझे ऐसा ही रिक्शा चाहिए। हैंडल को जरा मजबूत पकड़ना और पैंडल जोर से मारना, फिर देखना स्पीड का कमाल। देखो मैं कैसी स्पीड से चलाता हूँ। तो कितने भी स्पीड में चला ले, टायर फटना नहीं चाहिए, सीट घसनी नहीं चाहिए। मैं ये तुझे इसलिए बता रही हूँ। अरे बाप रे, क्या स्पीड है बाप। चलती का नाम गाड़ी है बुआ। ओ बुआ, क्या है रे। अरे बुआ, सवारी तो बहुत मिल रही है, लेकिन खाए पिए मोटे मिल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे भी मिलेंगे। अच्छा? ये ले आज की कमाई बुआ, ये 50 रुपए जो है कल के खर्च के लिए, और ये 40 रुपए रात की मछली के लिए, और ये 10 रुपए सुबह के आमलेट के, और ये 5 रुपए में से तुम्हें जो कुछ भी आम तेम खरीदना हो खरीद लेना। ए देख बुआ, अगर मछली अच्छी नहीं बनी होगी ना तो सोच ले। वो क्या है, कौन है? ये क्या छुपा रहा है? क्या पीछे क्या छुपा रहा है? पीछे कुछ नहीं है, खाली हाथ है। हाथ है, मुझे पता है। उन हाथों में क्या है? उन हाथों में लकीरें हैं। ए बता मुझे। अरे बुआ, क्या कहा? अगर मैंने तुझे अपने हाथ की लकीरें दिखाई तो तुझे पाप चढ़ेगा। मैं तुझे कैसे हाथ दिखा सकता हूँ? पाप लगेगा कुछ भी हो। चल पहले हाथ दिखा। छाले पड़ गए हाथों में। छाले, छाले कहाँ है? हाँ ए बुआ, तेरे हाथों में तो छाले पड़ गए बेटा। हाँ छाले, क्यों उल्लू बना रहे? अरे ए बुआ, 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 मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया। अब देखती हूँ मैं तुझे। ए ए ए, मुझसे लफंगी बाजी। ए ए, चल बेटा, बेटा। ए ए, बुआ देख, 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 बुआ ये है, बुआ। अरे देख, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे आज। देख बेटा, मुझे देता है 5 रुपए और खुद रखता है 100 रुपए। ऐसी चालाकी मुझसे? मेरा पैसा मैं कुछ भी करूं, मेहनत करके कमाता हूं, खून पसीने की कमाई है मेरी, समझे? बेटा, मुझे देता है 5 रुपए और खुद रखता है 100 रुपए। तू इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। बता क्यों लड़ रहा है? वो तेरी बुआ है ना, चल दे दे उसे पैसे। ऐसी बात नहीं है। अरे तू तो जवान है, मेहनत करता है फिर कमा लेना, दे दे उन्हें। ऐसी बात नहीं है। वो क्या है कि मैं बुआ के लिए एक अच्छी सी साड़ी लेने वाला हूँ। साड़ी? अरे बुढ़िया सुन लेगी। सुन लिया? अरे बदमाश, मैंने सुन लिया, अब मेरी सुन। बुआ, बुआ, हाँ? लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। बुआ, छोड़ूंगी नहीं तुझे। देख लिया बेटी, कैसा पागल है ये, मेरे लिए साड़ी खरीदने जा रहा है। खुद ने 2 साल से कपड़े नहीं खरीदे अपने लिए, और मेरे लिए साड़ी खरीदूंगी? मैं क्या कपड़े खरीदूं अपने लिए? अरे ये मर्द की बॉडी है, बिना कपड़े के ही अच्छी दिखती है। बुआ, मेरी प्यारी बुआ, तू साड़ी खरीद लेना। नहीं बेटा, तू अपने लिए खरीद, तू खरीद ना कपड़े, तू अपने लिए खरीद। अरे कहां खरीद ले? अरे निकल मेरे घर से, निकल। क्या हुआ, अपनी सास को क्यों मार रही हूं? अरे तू चुप रह, अपना काम कर। तू निकल, मेरी जान लेके रहेगी तू, जाके मर गई। क्या है, क्या हो रहा है ये? क्या हंगामा, तू लाता है 500 रुपए और इसकी दवाई में ले जाता 1000 रुपए। मैं क्या चोरी करूँ इसके इलाज के लिए? हाँ निकल तू यहाँ से, जा यहाँ से, मरती कहीं नहीं, जा बुढ़िया मर गई, जा। अरे तू चुप कर, मैं इसे समझा बुझा कर भेजता हूँ, तू समझती नहीं है। वो क्या है माँ, तू मेरी बात मान ले, रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांग कर अपना गुजारा कर ले। तू क्यों नहीं सुनती है, तू क्यों बार बार चली जाती यहाँ पर? हाँ मुझे भीख मांगने के लिए कह रहे हैं मेरे बेटे। अरे तू भीख नहीं मांगेगी तो और क्या करेगी? हाँ ये क्या हो रहा है? बड़ी गड़बड़ है भैया, ये और इसकी बीबी दोनों मिलकर अपनी माँ को भीख मांगने के लिए कह रहे हैं। देखो आज क्या जमाना आ गया है भाई। जिस माँ ने पैदा किया है तुझको, उसी माँ को भीख मांगने के लिए भेज रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? एक नहीं बेटा, इसके माफ कर दे। देख देख ये है माँ, माँ माँ क्या होती है ये मुझे मालूम है। सब कुछ मिलेगा इस दुनिया में, मगर माँ का प्यार ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, समझे? तू तो नसीब वाला है जो तेरे पास माँ है। ए बहू, ये लो 200 रुपए इस महीने की दवा का खर्च, और हर महीने आकर मुझसे लेकर जाना। और हाँ, अब अगर इसे झगड़ा किया ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ और सुनो माँ, तुम फिक्र मत करना, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभालूंगा। हाँ जाओ आराम करो। देवा, 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 देवा। हम हैं
बिना ही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला। तुझे तो शहर के बड़े बड़े लोग जानते हैं और पुलिस वाला भी जानता है। तू रिक्शा यूनियन का लीडर है, तो क्यों नहीं तू एक पेट्रोल वाली ऑटो रिक्शा खरीद लेता है। ए मास्टर, इस रिक्शे को चलाने के लिए दिल होना चाहिए, दिल वाले ही इसे चला सकते हैं। ए राइट राइट। अरे बाप रे, मेरा रिक्शा क्या हो गया। अरे जल्दी उठा, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, इन्हें जाओ, इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, जाओ उठा भाई, उठा, जल्दी उठा, आ जाओ, आ जा जल्दी। एक्सक्यूज मी, आप सब लोग सुनिए, कार नंबर 7799 के मालिक को छोड़कर सभी लोग क्लास में जा सकते हैं। 7799 कार किसकी है? तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। अबे ये औरत है या मर्द? अभी कैसे बता सकता हूँ, थोड़ा पास तो आने दो मेरे भाई। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, अभी पता चला लड़की है। ए, क्या गड़बड़ है? हाँ ये व्हाइट कार किसकी है? 7799 कार मेरी है। तो क्या? तो क्या, तुमने जो मेरे रिक्शे का हाल किया है उसे देखकर लगता ही नहीं कि मेरा रिक्शा है, इतने सारे टुकड़े कर दिए इसके। हाँ 160 किलोमीटर की स्पीड में टक्कर में अभी भी तेरे पार्ट्स बचे हैं। हंस मत, ऊपर के डेकोरेशन का 2000, नीचे का 1000, टोटल हुआ 3000, ला दे। ए, किससे क्या पूछना है पहले ये जानकर आओ। इससे क्या पूछना है हमको मालूम है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है, सारा रिक्शा चकनाचूर कर दिया, ऊपर से बड़बड़ करती हूँ। ए ज्यादा बात मत कर, ये लो मेरे विजिटिंग कार्ड, शाम को 4 बजे अकेले आके मुझसे मिलना, साथ में इन बंदरों को मत लाना। अरे क्या जाती हमारे बारे में? अरे हम सबको बंदर खा रही है। चुप कर यार, पब्लिक में इनको इनकम टैक्स का प्रॉब्लम होता है, इसलिए घर पर बुलाया है। हाँ आ जाऊंगा, चलो मेरे साथ। हाँ चलो। कोई है? कोई है क्या? ए, मैं आ गया हूँ। क्या कर रहे हो तुम, इस तरह कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? ये तुम्हारा रिक्शा स्टैंड नहीं है, ये इस एरिया का सबसे कीमती घर है। थोड़ा बहुत ठीक है। क्यों आए हो? क्या मजाक कर रही हो, आने का इनविटेशन तुमने खुद ही दिया और अब खुद ही पूछ रही हो कि यहाँ पर क्यों आए हो? मेरे पास फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मेरे पैसे दो, मुझे जाना है। शट अप, मेरे पास डिमांड नहीं करना, भीख मांगना है। कॉलेज में आकर हंगामा किया, तुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा सकती हूँ, माइंड इट। हेलो एक्सक्यूज मी, गैप छोड़ो, मैं भी कुछ बोलूं। घर में बुलाकर डराने धमकाने की कोशिश मत करना, तुम्हारे जैसों को जूतों की नोक पर रखता हूँ मैं। यही बात कॉलेज में की होती तो मैं बताता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। मैं अगर वही बात करती तो तुझ जैसे रिक्शे वाले मजदूर में और मुझ में क्या फर्क रहता? ए, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। क्या रे, ये क्या मजदूर मजदूर करे जा रहे हैं? तेरे सुबह उठने से पहले तेरा घर मजदूर साफ करते हैं, तेरे कपड़े मजदूर धोते हैं, घर की सब्जी मजदूर लाते हैं, तेरा खाना पकाने वाले मजदूर हैं, और तेरी टेबल पर लाकर खाना परोसने वाला वो भी मजदूर है, तुझे जलाने वाले भी मजदूर ही होंगे। मजदूरों के बिना तुम अमीर ज्यादा एक इंच भी नहीं हिल सकते, ये है मजदूर का पावर। अरे मुझ जैसे एजुकेटेड आदमी को तो जैसी घटिया लड़की से बात करने का टाइम नहीं है, लाओ मेरे पैसे दो। हाँ देती हूँ ना, 3000 के बदले 3 लाख देती हूँ, देने के लिए तो तुझे बुलाया है, इसे पैसे दे दो। सुना था कि अंग्रेज लोग पीछे से वार किया करते थे, लगता है तुम भी उन्हीं की औलाद हो। अब तुम लोग वास्को डी गामा बनने के लिए तैयार हो जाओ। ए, तुम्हारी जात वाली अंदर खाना खा रही है, तुम लोग क्या खाना पसंद करोगे, जल्दी बोलो, नॉनवेज खाओगे या वेज खाओगे? चाकू नहीं दिख रहा है ना, तू कहां गायब हो गया?
अरे बाप रे, मैं तो मजाक समझ रहा था, ये तो सच में मार रहे हैं। अब बताता हूँ इनको मेरा पावर। देख लिया मजदूर का पावर? याद रखना, मुझे मेरे 3000 रुपए वापस चाहिए, चाहूँ तो पूरा घर लूट कर ले जाऊँ, लेकिन मैं वो सब नहीं चाहता। शराफत से रिक्शा स्टैंड पर आकर माफी मांगना, गलती हो गई बोलना और मेरे 3000 रुपए वापस देकर चुपचाप चले जाना, वरना जैसा हाल इनका किया है वैसा ही तेरा करूँगा। खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। अरे नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? अरे इंस्पेक्टर साहब के लिए ठंडा लाओ। सुनो, बोलिए सर। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। बोलिए ना। जे के राव की बेटी रानी ने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया है। तुम जे के राव के बारे में कुछ जानते भी हो? वो भारत के टॉप 10 रईसों में से एक हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और इस बार चुनाव में भी वो खड़ा होने वाला है। चुनाव में खड़ा हो या आसमान में जाए, हमसे टक्कर लेगा तो मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने। मैंने उसको मार दिया। सर, आप क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं? मैंने मार दिया, मैंने अपने विरोधी को मार दिया। मैं बिना चुनाव लड़े जीत गया। मैं अकेला चुनाव जीत गया। सर, आपने जगन्नाथ को मारा या सद्दाम हुसैन को मारा? आपने जगन्नाथ को सपने में मारा सर। सपने में? सर, आपके पास बेशुमार दौलत है सर, फिर भी आप बेकार में राजनीति में जा रहे हैं सर। जाना है, मल्टी मिलियनेयर होने के कारण हमें राजनीति में जाना बहुत जरूरी है। हमें राजनीति में जरूर जाना है। इनकम टैक्स वालों के रेट पढ़ने से पहले साला इन्फॉर्म किया जाता है। इस तरह की फैसिलिटी यहाँ राजनीति में बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे पॉलिटिकल पावर यहाँ चाहिए। कुछ भी हो, बस मुझे मिनिस्टर बनना है। देखिए सर, मिनिस्टर बनने के लिए आप बिना वजह टेंशन ले रहे हैं सर, इससे आपका ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ जाएगा सर। उसके लिए तो आपको हर एक आदमी चोर, बदमाश, भिखारी, अमीर गरीब के सामने हाथ जोड़कर वोट दो, वोट दो, वोट दो, चुनाव में लुभावने वादे करने पड़ते हैं सर, पर उनको निभाना नहीं पड़ता है सर। वो कैसे वादे? वो बहुत इजी है सर, हमारे यहाँ बियर बार बंद है, उनको खोलने का आश्वासन दे दो, फिर देखो कैसे मिलते हैं वोट। एक बार जीते वादे? तो फिर कौन सा वादा और कहाँ का वादा? और अभी तक ना आपने किसी को दिया है और ना ही किसी को दोगे। अच्छी सलाह दी तुमने, हाथ मिला ले फटाक से। कम टू द पॉइंट। इन सभी बातों के अलावा पॉइंट की बात यह है कि आपको मजदूरों का सपोर्ट भी चाहिए, और इस शहर में यूनियन लीडर राजा है, सभी मजदूरों को उस पर भरोसा है सर। ऐसा है तो उससे दोस्ती बनाओ। सॉरी सर, आपकी बेटी की वजह से आपकी उससे दोस्ती नहीं हो सकती सर। इसका मतलब? क्योंकि आपकी बेटी ने उससे झगड़ा करके उसके ऊपर केस दायर कर दिया है सर। ऐसा क्या? हाँ? रानी, रानी यहाँ कहाँ है? वो तो कोर्ट में है। फरियादी रानी हाजिर हो, फरियादी रानी हाजिर हो। मिस रानी, आपका केस लड़ने के लिए कोई वकील है? नहीं सर, जरूरत नहीं है, मैं खुद लॉ कर रही हूँ, मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है और मैं अपना केस खुद लड़ूंगी। अरे वाह, क्या बात है, इनको लॉ शब्द पढ़ने में इतना घमंड है, और मैंने जो ABC पढ़ने के लिए 7 साल लगा दिए तो मुझे कितना घमंड होना चाहिए? क्या मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है? एक्सक्यूज मी जज साहब, इनको आर्गुमेंट खुद करने दीजिए और मैं अपना आर्गुमेंट खुद करूंगा। ऑर्डर, ऑर्डर। आपका चश्मा टूट गया, घर जाओगे तो बीवी आपकी खबर लेगी। साइलेंस। जो हुआ खुल के बताओ। ठीक है जी, जो हुआ वो बताता हूँ। मैं पवई के रास्ते पर वन वे से सवारी बिठाकर रिक्शे से चला जा रहा था, और उसी समय ये औरत रॉन्ग साइड से अपनी कार लेकर आई और मुझे आकर टक्कर मार दी। मैंने टक्कर नहीं मारी, मैंने टक्कर नहीं मारी, नहीं मारी। क्या कहा? टक्कर नहीं मारी तुमने? टक्कर नहीं मारी, झूठी कहीं की बोल। अभी ऐसी टक्कर मारूंगा ना तुझे कि। दारू पीकर रिक्शा चला रहा था और खुद रॉन्ग साइड से आकर मेरी गाड़ी को टक्कर मारी और पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। ए कमीनी, झूठ बोलती है ये साली, झूठ बोलती है, इसने खुद टक्कर मारी थी, झूठी कहीं की घटिया। क्या बोला? घटिया बोला? माइंड योर टंग, इज्जत से बात करना। हाँ, तू बड़ी सच्ची बात कर रही है ना, बड़ी शराफत की देवी बन रही है, टपक रही है शराफत तेरे चेहरे से। सर, हाँ बोल। इसने मेरी कार को
टक्कर मारी किसे जेल में डालिए? इसने मेरे रिक्शे को टक्कर मारी, आप इसे जेल में डालिए। हाँ हाँ सही है सही है। साइलेंस। दिस इज कोर्ट। तुम बोलते हो इसने टक्कर मारी, तुम बोलती हो उसने टक्कर मारी। गवाह ना होने की वजह से अदालत अगले हफ्ते तक मुलतवी की जा। अरे रे 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 रे, आजा 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 ना बेटा, मैं तुझे नहीं काटूंगी, सच। आजा आजा बेटा। अरे कौन से जन्म का बदला रे रे, तू मुझसे राजा आएगा तो मैं क्या खिलाऊंगी? आजा बेटा आजा। अरे आजा रे आजा। ए बुआ, बहुत जोर से भूख लगी है, चिकन तैयार हो गया क्या? अब जाओ फटाफट लेकर आ जाओ, और ये ले नींबू पकड़, उसमें अच्छी तरह से डालना, खाकर सो जाता हो, है ना? बुआ, मसाले की खुशबू नहीं आ रही। चिकन बनाया नहीं मैंने। क्या हुआ बुआ, बिना मसाले का चिकन बनाया क्या? काटने गई तो भाग गया चोंच मार के। तो फिर मुर्गा कहाँ गया? बेचारा। अरे रे, मैं बताती हूँ तुझे क्या हुआ। क्या हुआ कि जब मैं उसे काटने गई ना, तो मेरी आंखों को धोखा देकर भाग गया। आएगा तो छोड़ूंगी नहीं उसको। मुर्गे को भागना नहीं चाहिए था, बल्कि तेरी दोनों आंखें फोड़ देनी चाहिए थी। अरे भूखा मार दिया मुझे। अच्छा बुआ, एक बात बताओ, कहीं मेरे उस दुश्मन ने मुझे भूखा रखने के लिए तुम्हें रिश्वत तो नहीं दी है ना? क्या बात कर रहा है बेटा। लड़ूंगा क्यों नहीं, सुबह मैंने मुर्गा लाकर दिया पकाने के लिए, इसकी वजह से भाग गया, अब मैं लड़ूंगा नहीं। कहाँ है? देखो 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 देखो। अरे बाप रे, अगर उस तरफ चला गया तो हाथ में नहीं आएगा। बाप रे, आजा आजा आजा। अरे अरे डरता क्यों है, मैं हूँ ना, हम दोनों ऊपर छत पर चढ़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। चलो आ जाओ। बोले प्यार की बोली, बोले प्यार की बोली। मेरे मुर्गे करे क्योंकि ठोली।
अरे ये दिल का मुर्गा बोले प्यार की बोली। नमस्ते जज साहब। रानी ने मुझे टक्कर मारी थी, इस बात के गवाह चाहिए थे ना? ये दोनों गवाह हैं। सुनो, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब जज साहब को बताओ, न्याय हमारी तरफ होगा। बताओ जज साहब, उस दिन ये दोनों मेरी रिक्शा में थे। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जो कुछ हुआ बताओ ना। बोलिए। बताता हूँ, उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं आपको बताता हूँ। अरे वो मैं बता चुका हूँ, तुम आगे बताओ। जज साहब, हम दोनों रानी जी की कार में आ रहे थे, तभी ये राजा वहाँ पीकर। उसकी कार में नहीं, मेरे रिक्शे में आ रहे थे आप लोग। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हम लोग रानी जी की कार में आ रहे थे, राजा ने रिक्शा रोक दी, ऊपर से दारू पिया हुआ था। रानी जी ने रिक्वेस्ट की, बाबू जरा रिक्शा तो हटा दे रास्ते से। तब राजा ने अपने हाथों से रिक्शा तोड़कर रिक्शे के टुकड़ों को रानी जी के ऊपर डाल दिया और बहस करने लगा। और हमने पूछा था हमारी पिटाई की, तब रानी जी ने हम दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। राजा कल रात हमारे घर आकर पैसे दूंगा मेरी तरफ से गवाही देने को कहा, हम लोग शरीफ आदमी है इसलिए हम नहीं माने। अबे तेरी तो दोनों को बता लूंगा मैं। ये क्या हो रहा है? जज साहब, इस औरत ने रातों रात इन लोगों को चाबी भर दी है, समझ रहे ना? हाँ। गवाहों के बयान से ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राजा गुनहगार है और इसे 2,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। जज साहब, ये क्या सीन है? मुझे मालूम है, सबको उल्टा पुल्टा हो गया। उल्टा पुल्टा कुछ नहीं, मुझे मालूम है तुम बिल्कुल बेगुनाह हो। और देखो राजा, मुझे मालूम है तुम बिल्कुल बेगुनाह हो, और इसलिए अदालत का ये जुर्माना मैं अपनी जेब से भर देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत रोको, मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये क्या सीन है? साइलेंस 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 साइलेंस। दिमाग पूरा गर्म हो गया होगा। ये लो आइसक्रीम खाओ, ठंडक मिलेगी। अंदर गरम करके बाहर ठंडा कर रही हो? मजाक कर रहा था। अब समझ में आया मैं क्या बला हूँ? मेरे पास पैसा है, उससे इधर घूमने वाली धरती को उधर घुमा सकती हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारे रिक्शा को फिर से टक्कर मार के तुम्हें अदालत लेकर जा सकती हूँ, और फिर मैं ये भी साबित कर सकती हूँ कि मैंने टक्कर नहीं मारी। तुम जैसा रिक्शे वाले को हम जैसे अमीर लोगों से टकराना नहीं चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें शहर से बाहर निकलवा सकती हूँ। तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? तो है क्या चीज, मेरी जूते के नीचे की धूल की तरह है। यस। सुबह सेंट्रल मिनिस्टर उनके बेटे और पूरे परिवार के साथ मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं। ऐसी हालत में मेरी बेटी घर पे नहीं है, मैं क्या करूं बोलना। एक काम करते हैं सर, आपकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है तो 4-5 दिनों तक हम लोग बिजी रहेंगे, इसीलिए 2 सप्ताह बाद उनको आने का टेलीग्राम कर देते हैं सर। हमारे लिए यही ठीक रहेगा सर। अगर पेपर में छप गया तो बहुत अच्छा होगा सर, आपका चुनाव की पब्लिसिटी में मदद होगी, इससे आप चुनाव जीत जाएंगे सर। कल जब तक लोग यहाँ पे आएंगे तब तक लड़कियों का यहाँ होना चाहिए। साहब, आपकी बेटी क्या फिल्म देखने गई है कि शो खत्म होने के बाद उसे गाड़ी में लेकर आऊं? उसका किडनैप हुआ है सर। लड़की को लेकर वो कहाँ गया है, ये सभी बातें किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर पता चल गया तो मेरे चुनाव पे असर पड़ेगा। अरे बाप रे, एक तरफ गाड़ी में से इतना धुआं और दूसरी तरफ मेरा शरीर गर्म हो रहा है। तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों उठा कर लाए हो? क्या करना चाहते हो मेरे साथ? ए चुप रह, तूने दोस्तों के सामने बेइज्जती की इसलिए गुस्से में उठा लाया, अब मैं तेरा क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। असल में तो जैसी लड़की को पत्थर से बांधकर खंडाला घाट से नीचे फेंकना चाहिए था, साथ नहीं लाना चाहिए था। मैं जानती हूँ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मेरा बलात्कार करना चाहते हो। वाह रे वाह, क्या आइडिया दिया है मेरी जान तूने। आजा मेरी वास्को डी गामा। आ,
आजा मेरी रानी। बच के कहाँ जाएगी मेरी रानी? आजा मेरी रानी। अरे रानी अरे अगर तू इस तरह चिल्लाएगी तो मेरी इमेज का क्या होगा, कुछ सोचा है? अरे अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, पर अब करके दिखाता हूँ। ये देख। मेरी आवाज सुनकर शेर भी बिल्ली बन गया। ए सुन, तो जैसे पैसे वाली ही नहीं, हम जैसे मजदूर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सबक सिखाने के लिए तुझे यहाँ लाया था। और सुन, मुझे तेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना है। ये एक रात मेरे साथ रहने के बाद कल ये दुनिया तुझे क्या क्या कहेगी देख लेना, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने मेरा कितना अपमान किया है। सच है, मुर्गा भी यही कह रहा है। चल अपने बाप के पास आ जा। अरे आना। कुछ नहीं, वो मेरी लड़की शादी मेरे दोस्त के बेटे की शादी में गई थी, अभी अभी फोन आया था, रास्ते में कार खराब हो गई। बात क्या है, आपकी सेक्रेटरी तो बता रहा है कि आपकी कोई दोस्त मर गया, वहाँ गई है। शादी के लिए घर से गई थी, रास्ते में उसे पता चला कि उसका दोस्त मर गया तो वो वहाँ चली गई। हेलो एक्सक्यूज मी, खराबी कार में नहीं है, तेरी बेटी में है। बेटी शादी से आने में इतनी लेट हो गई, क्या मुहूर्त का टाइम बदल गया था? क्या तुम लोग वहाँ पे होली खेल रहे थे? शी इज ए कलरफुल गर्ल। डैडी दिस फेलो। ओके ओके, जाओ जाओ ऊपर जाके कपड़े बदल के आओ। गुड। लड़कियों में ऐसी घमंडी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी जिसका पूरा शरीर घमंड से भरा हुआ है। अगर कल इसकी शादी हुई तो पति को उंगलियों पर नचाएगी। जोक नहीं है, मैं तो अरे चुप कर यार, तुझे पता है वो कौन है? वो लड़की देखने आए हैं। हाँ, लड़की देखने आए हैं क्या? माँ कसम, मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि आप लोग यहाँ लड़की देखने के लिए आए हैं, नहीं तो कोई झूठ बोलकर बाहर चला जाता। दरअसल बात यह है कि अब क्या है बे? ए हाँ दादा। अरे सुनो, रात जो हुआ वो सब यहाँ बोलने की क्या जरूरत है? सारी बातें यहाँ बताकर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? इसने भी कुछ कम हरकत नहीं की, मेरी रिक्शा तोड़ दी, कोर्ट में सबके सामने उल्लू बनाया, दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की, इसलिए गुस्से में आकर मैंने इसका किडनैप कर लिया। सुनिए, पूरी रात भर ये मेरे साथ थी, लेकिन मैंने इसे छुआ तक नहीं। शोकेस में खिलौनों को जैसे सजा कर देखते हैं वैसे ही देखता रहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मेरी माँ की कसम, आप लोग गलत मत समझिए, लड़की बिल्कुल पाक साफ है। मैं एजुकेटेड हूँ, आप लोग भी एजुकेटेड हैं इसलिए समझा रहा हूँ, समझ जाइए। सुनो, अगर मुझे शादी का कार्ड नहीं दिया तो तेरा हाथ सीधा करके हाथ में दे दूंगा। हट। रजा की आएगी बरात, रंगीली होगी रात। इसने जो अभी सारी बातें बताई हैं वो तो रेप से भी खतरनाक साबित होती हैं। वो बहुत बेकार आदमी है, सारा राज फाश करके चला गया। सर अब आप ही संभालिए सर। करना मत मैं हुआ। आओ चलो बैठो, आगे चलो बैठो। माय डॉटर रानी। फोन फोन सर। रात को जो भी हुआ बेटी उसे भूल जाओ। अगर कुछ ऐसी वैसी बात हुई हो तो दहेज कुछ बढ़ा देना, और तुम उन बातों को भूल जाओ। हाँ क्या भूल जाऊं? कूल डाउन बेटी, कूल डाउन। आप चुप रहिए अंकल, शादी मुझे करनी है इसलिए मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की को इसलिए नहीं छोड़ सकता कि उसने एक रात रिक्शे वाले के साथ बिताई है। वैसे भी मैं अमेरिका में रहा हूँ, इससे मुझे क्या मतलब? What is this? Shut up! पागलों की तरह बात मत करो। पैसों की खातिर मैं कुछ भी करती रहूँ, हाँ तुझे चलेगा। तू जैसे लोगों को पति नहीं दलाल कहते हैं। चल निकल।
Get out, I say! Dirty scoundrel! Rascal scoundrel? अमेरिका से बढ़कर आए क्या बेटी? What is this? इतना गुस्सा किस बात का? ऐसे करेगी तो तुझसे शादी कोई नहीं करेगा। मैं दूसरों के लिए नहीं जीती हूँ, मैं अपने लिए जीती हूँ। सारी रात जंगल में उस रिक्शे वाले के साथ रही, कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा उसने, नहीं तो किडनैपिंग का केस क्यों नहीं लगाया? दाल में जरूर कुछ काला है। मुझे भी ऐसा लगता है। अरे, वो तो दौलत वाली है ना, एबॉर्शन करा लेगी। देख बेटी, किस किस का मुंह बंद करते रहेंगे, किन किन लोगों के साथ लड़ेंगे। बेटी एक काम कर, तू एक साल के लिए तू बाहर चली जा, वरना मेरे चुनाव पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ले ये फाइट कट कट ले। जब बाप ही अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा हुआ है। डैडी, आप अपनी राजनीति के बारे में सोचिए, मेरी जिंदगी को उसमें मत घसीटिए। मुझे आगे क्या करना है और कैसे करना है पता है। हे भगवान, अब तो मेरी सुन ले, राजा को कुछ अकल दे दो, उसकी शादी कर। माँ जी, हाँ, अंदर मत जाइए, कोई सरकारी ऑफिसर आया है, उसकी पूजा खत्म होने से पहले कोई अंदर जा नहीं सकता। आप यहाँ पर इतना लंबा अरसा बीत गया आपको देखे हुए। हाँ, ठीक कह रहे हैं। ये सब कुछ आपके परिवार की दया है। बहन जी, आप कैसी थीं और अब कैसी हो गई हैं? आप कहाँ रहती हैं? सब ठीक ठाक तो है ना? बहन जी बताइए ना, आप कहाँ रहती हैं? मेरे से कुछ भूल हो गई है क्या? अरे बुआ, तू यहीं पर है? कहाँ था रे तू सारी रात? हाँ? शादी का समय है और इस समय सवारियाँ बहुत हैं। हाँ? ये 200 रुपए घर का किराया। हाँ? ये 5 रुपए मंदिर में चढ़ा दो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बहन जी, वो कौन है? मेरा पोता है। आपका पोता? आपका पोता? बहन जी, भिक्षा दो, भिक्षा दो माँ, माँ भिक्षा दो, भिक्षा दो माँ, माँ भिक्षा दो माँ। ये क्या बेटी, भिक्षा मांग रही हो? बड़े घर की लगती हो। सब लोग पैसे मांगते हैं, मैंने जिससे प्यार किया उसकी भिक्षा मांग रही हूँ। क्या कहा, प्यार करने वाले की भीख मांग रही हो? जी माँ जी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता तब तक उसे पाने के लिए ऐसे ही भिक्षा मांगती रहूंगी। बिल्कुल। अरे रे रे, इतनी खूबसूरत लड़की को भीख मांगने की क्या जरूरत? मुझे उसका पता बता, मैं ठीक करती हूँ उसे। उल्लू का पट्टा कहीं का, मैं ठीक करती हूँ उसे। उसके पास जाने की आपको जरूरत नहीं है, जब वो आपके घर पर आएगा तब आपको उसे मनाना होगा। मेरे घर क्यों? जी माँ जी, मैंने जिससे प्यार किया है वो आपका राजा ही है। माँ भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो माँ, भिक्षा दे दो। देवा, क्या जोड़ी बनाकर भेजी, राधा और श्याम की। बिल्कुल। ए, वो नहीं माना तो कैसे मनाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, अब वो कैसे ना बोलेगा मैं देखती हूँ। हाँ? क्या बात है, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया यहाँ? अरे पगली, बहुत खुशी की बात है, जब मैं राजा से बात करूँ तो तुम मदद करो। क्या बात है बुआ? और कितने सालों तक अपने हाथ से पका कर खिलाऊंगी उसे, इसलिए अगले मुहूर्त को मैंने उसकी शादी का फैसला किया है, इसीलिए तुझे बुलाया। मेरे दिल की बात कह दी बुआ। हाँ, तुमने। जब वो आएगा तो मेरे पास रहेगी, मेरे सामने तो मना नहीं कर पाएगा वो। बुआ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही है? अभी आती हूँ। अच्छी लग रही हो ना? शादी की बात सुनकर तो तू दुल्हन की तरह तैयार होकर आ गई। वो क्या है बुआ? हाँ? जिस तरह की बातें करनी होती है उसी तरह तैयार होना पड़ता है। हाँ? इसीलिए अगर मैं तुझसे कहती कि नहाने जाना है तो क्या तू बिना कपड़ों के ही आ जाती? बुआ। अच्छा सुन,
जब वो आएगा ना तो अपन उसे शादी की बात करेंगे। हाँ वो मना ना कर पाए। हाँ। एक खला है सीने में। ए बुआ, कल तक तो एक भी चीज ढंग से नहीं बनाती थी और आज इतना सब कुछ पका दिया तुमने। अच्छा सुन, ये किचन, ये बटन। अच्छा हुआ तूने इसे हुक और इसे जिप नहीं कहा। ए बुआ, मैं एजुकेटेड हूँ, तुझे मैं सिखाता हूँ, सीख ले। ये मटनी और ये तंदूरी चिकनी। तो मैंने भी तो यही कहा। क्या तूने यही कहा? मारूंगा अभी। ए सुनो, एक अच्छी बात सुनानी है, इसलिए ये सब खाना पकाया है, है कि नहीं बुआ? अच्छी बात के लिए पकाया या मुझे फंसाने के लिए बनाया है? कुछ भी हो, लेकिन अगर इसमें मसाला कम हुआ तुम दोनों की ऐसी तैसी कर दूंगा। ए, क्या रे बुआ, झगड़ा मत करो, इम्पोर्टेंट बात करो। ए, तेरी अर्जेंट शादी करानी है मुझे। शादी? मैं तो अभी छोटा बच्चा हूँ, शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या कहा, छोटा बच्चा? अगर तेरी शादी हो जाती तो तुझे 6 बच्चे हो जाते, है कि नहीं बुआ? ए, जब लड़की राजी हो जाए तो फौरन शादी कर लेनी चाहिए। जो मेरे हाथ में है उसे मुंह में जाने दोगी या नहीं? अरे बेटा, मान जाना, मान जाना, मान जा, मान जा, मान जा रे, मान जा। नहीं तो, हाँ नहीं तो, काट खाया मार, तुझे उसी लड़की से शादी करनी है। अरे पहले ये तो बताओ कि वो लड़की कौन है। बोलो बोलो। बताऊं तुझे कौन है वो? तू उसे जानता है, बहुत अच्छी तरह पहचानता है। कौन है पहले ये तो बताओ, जल्दी बोलो ना। तेरी रिक्शा को टक्कर मारने वाली रानी। अरे बाप रे, लगता है जैसे बिच्छू ने काट लिया। चुप कर तू, तेरी किस्मत अच्छी है जो इतनी खूबसूरत और इतनी पैसे वाली लड़की तुझसे शादी करने को तैयार हो गई है। जी 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 जी, मैंने सोचा था बगैर झगड़ा कि आज खाना मिलेगा, अगर शादी की बातों से महाभारत छेड़ दी, अगर आप दोबारा उस लड़की का नाम लिया तो हम दोनों को घर अलग अलग करना पड़ेगा। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये घर हुआ बेगाना। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम। जी कैसे आना हुआ? मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। अच्छा? तेरी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है बेटा। कृष्ण पक्ष में तूने जन्म लिया है। बाप रे, इस धरती पर रुक्मणी फिर से पैदा हो चुकी है बेटा। किस एरिया में है? एरिया क्या भाई, हमारी वो रानी है ना, वही रुक्मणी है, समझा? तेरी तो ऐसी कैसी करूं पंडित जी। सुन, धरती का अंत होने वाला है। 6 धूमकेतु तैयारी कर चुके हैं एक साथ भारत में गिरने के लिए। ओ शाबाश, सब प्रलय हो जाएगा। उसे कैसे रोका जा सकता है? रोका जा सकता है अगर तू रानी से शादी कर ले तो। तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ू। तू है, तू किस लिए आया है? रानी से शादी कर लूं यही कहने आया है ना? अरे पागल, रानी से तू कहाँ शादी करेगा, वो खुद उसे शादी करने वाली है। अरे अरे अरे, छोड़ 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 हमको। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से, चल निकल ले। तोहर लहंगा उठा दे रिमोट से। Chocolate, jam jackpot. Yeah. It put that, shoot that sight, sweet cockpit. Chick, chick, chickalette, shock, shock, chocolate, jam, jam, jackpot. Hey. Roop tera mastana, ishq mera diwana. तेरा एहसास मीठा जैसे गुड़ मीठा मीठा। मेरी चांदी मेरा सोना तू बड़ा है सोना सोना, पाके तुझे नहीं कोना। रूप तेरा मस्ताना, इश्क मेरा दीवाना।
जैसे चंदा चकोरी जैसे पतंग में डोरी जैसे वेरी गुड वेरी गुड। लड़ती है अखियाँ तो सजती है रहती है क्यों जलती है दुनिया वेरी बैड वेरी बैड। चलती है दुनिया तो चलने दो चलने दो गाड़ी इश्क की चलने दो चलने दो। दिल को दिल से यारा मिलने दो मिलने दो गुल ही गुल जरा खिलने दो खिलने दो। झूम ले जरा तू नाच ले जरा आ मेरे संग ताल में। जा भी तेरी है जो भी चाहिए मांग लो। सारी दुनिया में तू ही अपना है तुम भी सनम मान लो। हे, तेरा अंदाज मीठा तेरा एहसास मीठा जैसे गुड़ मीठा मीठा। तेरी चाँदी मेरा सोना तू है बड़ा सोना सोना बाकी तुझे नहीं गुणा। रूप तेरा मस्ताना इश्क मेरा दीवाना। घबराए मुझे चैन न आए हाय वेरी बैड वेरी बैड। दिल पे चलाया तूने जादू आदि खुद पे रहा ना मेरा काबू बाबू काबू बाबू। सुबह से शाम तक घूम 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 तेरी ही मस्ती में झूम 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 झूम। जहाँ जहाँ है तू वहाँ वहाँ मैं हूँ जीऊँ मैं तो तेरे लिए। मेरी धड़कन तू मेरी सांस है तू मैं भी जीऊँ तेरे लिए। दियारे दियारे कैसा ये जो लगारे लगारे प्रेम रो। कुछ न पता है अब तो मुझको कैसे समझाओ दिल को। मेरी चाँदी मेरा सोना तू बड़ा है सोना सोना बाकी तुझे नहीं घोड़ा। तेरा अंदाज मीठा तेरा एहसास मीठा जैसे गुड़ मीठा मीठा। रूप तेरा मस्ताना इश्क मेरा दीवाना। एहसास मीठा जैसे गुड़ मीठा मीठा। तेरी चांदी मेरा सोना तू है बड़ा सोना सोना बाकी तुझे नहीं घोड़ा। ये देख सपनों की रानी। सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। दूर से देखने पर लगता है धरती और आसमान आपस में मिले हुए हैं लेकिन जब पास आकर देखते हैं तो दोनों अलग अलग नजर आते हैं। देख अगले जन्म में तू मजदूर बन के पैदा होना और मैं फिर से रिक्शा वाला बनकर पैदा होऊंगा। फिर तेरा बाप वो भी हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएगा। फिर मेरी बुआ भी कुछ नहीं बोलेगी। एक रिक्शा स्टैंड पर ही हम लोग शादी करेंगे और उसी रात को हम हनीमून के लिए। अरे बाप रे ये क्या बोल गया। मैं तो तेरे बाप से बात करने आया था और तुझसे बकवास कर रहा हूँ। कहाँ है तेरा बाप? देखे राव जी चुनाव प्रचार के लिए बाहर गए हैं। वो बाहर चुनाव प्रचार में गया और यहाँ बेटी का जिंदगी का प्रचार हो रहा है। देखो एक रिक्शे वाले और एक नई शादी की कभी शादी नहीं हो सकती। ये एक एजुकेटेड आदमी का कहना है सुन लेना। मुझे क्या पता? सुनिए मैं राजा से बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए मैं राजा के बिना नहीं जी सकती। अगर इस वक्त राजा ने मेरे प्यार को कबूल नहीं किया और मुझसे शादी नहीं की तो मैं उसके सामने अपनी जान दे दूंगी। अरे अरे ये लड़की जो कह रही है मुझे लगता है वो सच करके दिखाएगी। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो सब फालतू की बात कर रही है। मैं तेरे नाटक में नहीं फंसने वाला। राजा। हाँ बोल क्या है? मैं सिर्फ 3 बार पूछूंगी नहीं तो उसके बाद जहर पीकर यहीं पर तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगी। 3 बार नहीं तू 1000 बार भी पूछेगी तो मेरा एक ही जवाब होगा नहीं मतलब नहीं। राजा तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? आखिरी बार
पूछ रही हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? तुम्हारे पिताजी आए हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटी को बचा लिया। रानी, आर यू ओके? बेटी, ऐसा क्यों किया तुमने? देखो राजा। हाँ, क्या है? तुझसे शादी करने के लिए बहुत लड़कियां हैं। तेरे साथ जिंदगी बसर करने वाली बहुत लड़कियां मिलेंगी तुझे राजा। तेरे लिए जान देने वाली वही एक लड़की है, और वो लड़की एक न एक दिन तेरे लिए अपनी जान दे देगी राजा। फिर जाके तुझे उस बात का पछतावा होगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, बल्कि ये सब मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त के नाते समझा रहा हूँ। इस चुनावी माहौल के समय में तुम रिक्शा मजदूर लीडर राजा से कुछ भी आपसे रंजिश रखोगे तो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी पार्टी के लिए नुकसानदेह है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। नहीं सर, मैं खामोश नहीं बैठ सकता, ये डिसीजन मेरा है, और रिक्शा वाले से कैसे निपटना है ये मैंने सोच लिया है। मर्डर प्लान? क्या मर्डर प्लान? नहीं सर, मैरिज प्लान। पागल कहीं का, मैं उससे शादी क्यों करूंगी? आफ्टर ऑल वो एक रिक्शा वाला है। मेरे बच्चे, ये क्या कुछ नई बातें कर रही हो? जी डैडी, उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मैं उससे नफरत करती हूँ, उसे बदला लूंगी। हाँ डैडी, इसलिए मैंने उसे प्यार का नाटक किया है और सबके सामने मरने का ड्रामा किया, ताकि उसकी इज्जत को मैं मिट्टी में मिला सकूं। बेटी, क्या यह सब नाटक है? तो उससे शादी नहीं करेगी? नहीं करूंगी। शादी के मंडप में जब वो मुझे मंगलसूत्र पहनाने उठेगा, तब उसे धक्के मार के सबके सामने बेइज्जत करके रख दूंगी, और तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। What nonsense are you talking? हाँ जारी, मैं वही करने वाली हूँ। मंत्री जी के सामने तय की हुई शादी है, इससे मैं राजनीतिक करियर जुड़ा हुआ है। अगर तू शादी में ऐसा करेगी तो मजदूर मुझे वोट नहीं देंगे। तू जो नाटक करना चाहती है वैसा कुछ भी नहीं करेगी, तुझे शादी करनी पड़ेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी राजनीति के लिए क्या मैं किसी भी ऐरे गैरे से शादी कर लूंगी? यस, अगर तू चाहे तो चुनाव के बाद मंगलसूत्र उतार के फेंक दे और उसको छोड़कर आ जाना, लेकिन याद रख अभी ये शादी करनी ही पड़ेगी तुझे। मैं ये शादी नहीं करूंगी। तुझे करनी होगी, और तू जानती है कि जिस बात को मैं एक बार सोच लूं उसे नहीं बदलता। सत्ता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और ये शादी हर हाल में होकर रहेगी, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कह दिया तो कह दिया, दैट्स ऑल। सुन, क्या माँ जी? शादी का सब सामान खरीद लिया ना? जी माँ जी, पूरा मार्केट खरीद लिया। राजा कहाँ है? वो तो रिक्शा चलाने को गया है। हाँ, क्या बात करता है, शाम को शादी है उसकी, और वो सवारी लेके। निर्मला, बुआ को क्या हुआ? देखते देखते बेहोश होकर गिर पड़ी। बुआ, बुआ, तू तो बहुत मजबूत है, ऐसे बेहोश होकर कैसे गिर गई? क्या हुआ बोलो? कल सुबह तेरी शादी का मुहूर्त है ना? तू चुप रह, तेरी तबीयत खराब है तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ कैंसिल। ऐसा मत बोल बेटा। तू कुछ नहीं जानती, चुप रह। कैंसिल हो सकता है? बड़े बड़े पोस्टर लगाकर शहर में हंगामा मचा दिया है, शादी में सारी जनता आएगी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कैसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। देखते नहीं मेरी बुआ कैसी थी और कैसी हो गई। नहीं नहीं, अरे ऐसे मत बोल, मैं तुझे समझा नहीं सकती, इतनी ताकत मुझ में नहीं। देख बेटा, शादी के शुभ मुहूर्त को टाला नहीं जा सकता। बुआ, अगर मंडप में तू नहीं होगी तो मैं शादी कैसे करूंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। देखो, एक काम करना, मंगलसूत्र पहनाने के बाद तुम दोनों सीधे यहाँ आकर पहले बुआ से आशीर्वाद ले लेना, बुआ भी खुश हो जाएगी और तुम्हारी दुल्हन भी खुश हो जाएगी। हाँ, मान जा बेटा, ऐसा ही करना। अरे बुआ, लेकिन मैं मान जाना।
हमारे जेके राव जी एक मामूली रिक्शा मजदूर को अपना दामाद बना रहे हैं। इस बात पर मैं उन्हें खुले दिल से बधाई देता हूँ। ऐसे दयालु आदमी हमारी पार्टी में शामिल हो गर्व की बात है। जूनो आप जानते हैं हमारी पार्टी की तरफ से वो एक एमपी की सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यह बात एक्सक्यूज मी सीएम जी, यह आपकी पार्टी का चुनावी मंच नहीं है, हमारी शादी का मंडप है। मुहूर्त का टाइम हो रहा है, फालतू बातें बाद में कर लेना। मुझे जल्दी मंगलसूत्र पहनाना है, बहुत काम बाकी है। आओ तुम सामने आओ। मंगलसूत्र कहाँ है? हाँ दामाद जी। ए ससुर जी क्यों चला रहे हो? सीएम साहब अगर मंगलसूत्र अपने हाथों से देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, आज से हमारे प्रदेश का कामकाज ही नहीं इनके सुख संसार के लिए भी मंगलसूत्र पहनाओ। मंगलसूत्र देंगे? पहनाना है, ये लीजिए। थैंक्स थैंक्स। ए एक्सक्यूज मी, आप सब लोग रुकिए, पहला आशीर्वाद बुआ का लेंगे, इसके बाद हम आपका आशीर्वाद लेंगे, तब तक आप लोग हमारा इंतजार कीजिए, ठीक है? चलो तुम। बुआ बुआ उठो, देखो तो, देखो तो कौन आ रहा है। बुआ आशीर्वाद दो, मैं अपनी बीवी के साथ आया हूँ। ये लो आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो ना। सदा बाल बच्चों के साथ खुश रहो। मैंने सब काम देख लिया सर, प्रचार का काम जोरों पर है सर, आप फिक्र मत कीजिए सर। तू यहाँ क्या कर रहा है राजा? ये यहाँ क्यों आया है तू यहाँ क्यों आया है, बोल मुझे। बेटी के साथ बाप का आना बुरा है क्या? तू इस राक्षस की बेटी है क्या राजा? ये इसकी बेटी है क्या? बोलना, बता मुझे। हाँ बुआ, क्या आप इसे पहले से जानती हैं? जिसकी परछाई भी मैं तेरे ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती थी, उसी के घर का दामाद बना दिया मैंने। इसकी परछाई जहाँ भी पड़ती है वहाँ पेड़ पौधे भी नहीं उगते। और मैंने क्या? राजा तेरा पोता है, एक रिक्शा वाला होने के बावजूद मैंने उसके साथ में अपनी बेटी की शादी करवाई। अगर मुझे पता होता कि तेरे जैसे नीच परिवार की पैदाइश है तो मैं कभी ये शादी नहीं होने देता। इज्जत से बात कर। कोनी परिवार में पैदा हुआ है तू, तुझे इज्जत क्या देनी है? तेरा कोई वंश है, उसकी कोई इज्जत भी है क्या? भगवान जैसा मेरा बेटा और मेरी बहू को दोषी मनाकर, उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उनकी मौत का कारण बनने वाला तू इंसान नहीं, राक्षस है तू। वो क्या करेगा मेरा, उसका बाप एक खूनी है। आगे एक शब्द भी बोला तो तेरा गला काट दूंगा। तो वो क्या करेगा रे, तेरा बाप एक बलात्कारी था, तेरी माँ भी एक खूनी है। हाँ इतनी बदनामी होने के बाद भी बातें वंश परंपरा की करता, वाह। अभी तुम्हारी शादी हुई है, फिर ये हंगामा कैसा? ये शादी है क्या? ये शादी नहीं हुई समझ ले। मेरा वंश भी इस मंगल सूत्र की तरह पवित्र है, ये बात मैं तेरे मुंह से कहला के रहूंगा। ये एक बड़े आदमी के अहंकार के लिए एक रिक्शे वाले मजदूर का चैलेंज है। बुआ बुआ ये क्या हो गया? राजा क्या हुआ बुआ? राजा तेरे माँ बाप बहुत अमीर लोग थे रे, और तेरी माँ मेरी माँ जिंदा है अभी तक।
मैं बताती हूँ तुझे। वो कहाँ है? बोलो बुआ, बोलो ना। तेरी माँ थाना सेंट्रल जेल में। थाना सेंट्रल जेल में? बुआ, बुआ। राजा, राजा कौन है भाई? राजा सर मैं हूँ। हाँ ये फोटो तुमने दिया था? हाँ ये मेरी माँ का फोटो है। माँ है क्या? रुको, वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। मैं उसका बेटा हूँ, बताया नहीं क्या? सब कुछ बताया, फिर भी वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। जाओ। एक मिनट। मेरे खून से लिखा ये पत्र मेरी माँ को दिखा देना। मिलने का टाइम खत्म हो गया, जाओ जाओ, मिलने का टाइम खत्म हो गया। अरे भाई यहाँ से जाओ। एक बार माँ को देख लूँ फिर चला जाऊंगा। अरे भाई मिलने का टाइम खत्म हो गया। सिर्फ एक बार। राजा तेरे खून से लिखा पत्र देखकर भी तेरी माँ तुझसे मिलना नहीं चाहती। आओ भान, आओ एक बार जाकर उससे मिल लो, नहीं तो मर जाएगा बेचारा। सर इनका ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में नहीं है, और हमने दूसरे ब्लड बैंकों में भी इंक्वायरी किया लेकिन वहां नहीं मिला। इनके परिवार में कोई है क्या? परिवार है। कौन है? उसकी माँ। Thank you.
कहाँ जा रहे हो? तुम्हें आराम की जरूरत है। डॉक्टर, मेरी माँ कहाँ है? माँ, माँ, इस दुनिया में पति बुरा हो सकता है, बाप बुरा हो सकता है, भाई बुरा हो सकता है, मगर माँ बुरी नहीं होती। माँ, चाहे जैसे भी क्यों ना हो, मगर बेटे के लिए हमेशा माँ एक अच्छी माँ ही होती है। माँ, मैं अपनी माँ के पास आया हूँ और एक अनाथ की तरह चिल्ला रहा हूँ। बोलो माँ, क्यों तुम मुझसे नहीं मिली? माँ, मैंने क्या गलती की है? तूने ऐसा क्या गुनाह किया है कि तू जेल में है? माँ, मेरी माँ एक बुरी औरत है क्या? मेरा बाप खूनी है क्या? मुझे जवाब दो माँ। बोलो माँ, बोलो क्या हुआ है? माँ बोलो, मुझे बताओ। माँ, मंदिर के भगवान को मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन राक्षसों ने एक झूठी कहानी को रचा था। मैं तेरी कसम खाकर आज मैं सच कह रही हूं। अच्छा नहीं है, तेरा गुस्सा जानकर इतने सालों से मैंने ये बात छुपा कर रखी। उन्होंने हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया था। कोई माने ना माने, अगर तू ये बात मान ले कि हम निर्दोष हैं, तो यही मेरे लिए बहुत है। मुझे तुमसे बातें करनी है, अंदर आओ। ओ, आप प्लीज कम आओ, बैठो बैठो। क्या पियोगे तुम? इसकी ब्रांडी? तेरा खून। कूल डाउन, मुझे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे तुमसे सिर्फ एक ही बात करनी है। ओके, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है तो एडजस्ट तो होना ही चाहिए। तुम जो चाहोगे मैं करने को तैयार हूं। टेंशन मत लो, परेशान मत हो, तुम बस मुझे एक बार के लिए इस इलेक्शन में जितवा दो। मैं तुझे चुनाव में जिताऊंगा, लेकिन पहले जो कहता हूं वो करो। बोलो क्या करना है, बोलो, मैं करता हूं। मेरी माँ खूनी नहीं है। तूने जो इल्जाम मेरी माँ पर लगाए थे वो झूठे हैं, ये तुझे सबके सामने मानना होगा, वरना मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। चाहते हुए भी कोई फांसी के फंदे पर नहीं लटकता। उस दिन भी और आज के दिन भी समय मेरे साथ है। अब से तेरा बुरा समय शुरू हो गया है। जहां तूने मेरी मां को दोषी ठहराया था, उसी जगह तेरे ही मुंह से मैं उसे निर्दोष कहलवा कर ही रहूंगा। मेरी जाने मन, कहाँ है तू? ए, क्या है? हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। चलो। कहाँ? अरे और कहाँ, मेरे घर। क्यों? डे और नाइट रोमांस करने के लिए। रोमांस करने के लिए? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, तुझे देखते ही मुझे घिन आती है। तुम उससे प्यार करती थी, मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मरने को तैयार भी थी, ये सब नाटक था क्या? नाटक? एक्टिंग थी वो? यस, मुझे उठाकर जंगल में लेकर गया था और सारी रात मुझे वहां रखकर मेरी बदनामी करवाई।
इसलिए बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। लेकिन उस दिन अपने बाप की इज्जत के लिए तेरे सामने सर झुकाकर मैंने चुपचाप शादी कर ली थी। मेरे बाप ने जब मंगलसूत्र उतार कर तेरे मुंह पे फेंका था उसी दिन ये शादी टूट गई। अच्छा, अरे रे 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 रे। अरे वारे तेरिया चरित्र। अरे मेरी पागल बीवी, चैन के टूट जाने से रिक्शा बेकार नहीं हो जाता, वैसे ही तेरे गले से तेरा बाप मंगलसूत्र निकाल दे तो भी कुछ नहीं होगा। हमारा रिश्ता 3000 रुपए से शुरू हुआ, मजबूत रिश्ता है, नहीं टूटेगा। ये लो। ये क्या है? ये वही 3000 रुपए है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, चुपचाप लेके खिसक लो। ओ, तो तूने अपना असली रूप दिखाई दिया। मैंने सोचा था कि तेरे बाप को सबक सिखाने से काम चल जाएगा, पर लगता है कि बाप बेटी दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो ठीक है वास्को डेगामा, एक टिकट में 2 फिल्में देख लेता हूँ। 3000 रुपए अंदर रखो, मैं अभी जो तुम्हें देने जा रहा हूँ वो निकाल रहा हूँ। फिर से ये मंगलसूत्र मैं तेरे गले में डालकर अपने घर ले जाकर इस मजदूर की ताकत क्या है ये तुम्हें दिखाता हूँ। हम रिक्शा मजदूर मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, तुम्हारे बारे में बात करने के लिए तो नहीं ना? नहीं। नमस्कार सीएम साहब। हाँ सब ठीक है ना राजा? शादी तो करवा दी है, विदाई कब करवा रहे हैं? देखिए सब लोग मुझे चढ़ा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। क्या हुआ? आप मुझसे क्या पूछते हैं, इससे पूछो इस ससुर की वजह से मेरी शादी टूट गई है। उस दिन शादी होने के बाद ये ससुर उसे अपने घर पर ले गया था और तब से अभी तक वो वापस ही नहीं आई। उस दिन स्टेज पर आपने क्या कहा था, इस राज्य की नहीं सारे घर संसार की गारंटी लेता हूं मैं। कहां गई आपकी गारंटी बताइए? कहो क्या कहना चाहते हो, कहो, तुम्हें पूरा हक है कहने का। जल्दी से जल्दी मेरी पत्नी को घर भेजिए, मैं अपने काम में बिजी हूं। सवाल जवाब का टाइम नहीं है मेरे पास, कल जैसे ही राहु काल निकलता है मेरी पत्नी को मेरे घर पर हर हालत में होना चाहिए। अगर वो नहीं आई तो मजदूर मजदूर करता है ना, तो समझ ले मैं क्या करूंगा कि तेरी जो पार्लियामेंट की सीट है ना वो इस रुमाल से पहुंचकर मैं कहां फेंक दूंगा ये तेरी समझ में भी नहीं आएगा। रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, रिक्शा यूनियन जिंदाबाद। अरे मैं तो बहुत बुरा फंस गया, मेरी पार्टी की इज्जत खराब हो रही है। क्या राव जी, वो तो सबके सामने धमकी देकर गया है। शादी के दिन मैंने उसे सुखी संसार की गारंटी दी थी, अब तो आपको अपनी बेटी को उसके घर भेजना ही होगा, अगर नहीं भेजा तो आपकी सीट कैंसिल कर दूंगा। उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी आदर्शों की बातें कर रहे थे, अब कहां गई वो बातें आपकी? अपनी बेटी को कुछ भी समझा नहीं सकता तो मैं जी के क्या करूंगा, अपने आप को मार डालना ही बेहतर है। चलो मार डालूंगा मैं अपने आप को। डैडी क्या करें? डैडी छोड़े, छोड़, क्या करें? छोड़ दो मुझे। तू शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने जबरदस्ती शादी कराई, मैंने ही मंगलसूत्र उतार कर उसका मुंह पे फेंका था, अब मैं तुझे वापस कैसे भेज दूं? डैडी मुझे भेजने की चिंता मत कीजिए, मैं खुद जाता हूं। रानी और मैं देखती हूँ कि वो क्या करता है। मैं आपकी बेटी बनकर नहीं जा रही हूँ, मैं वहाँ जाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। सबके सामने उसकी बेइज्जती नहीं की तो मैं आपकी बेटी नहीं, यही मेरा फैसला है। लेकिन बेटी इसमें खतरा है। मुझे खतरों की परवाह नहीं है, दिस इज माई फाइनल डिसीजन। चलिए रिक्शा वाले, अब देख तेरी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए मेरी बेटी को तेरे घर में वापस भेज रहा हूँ। राजा बेटा, रानी को अंदर लेके जाओ, उसे धूप से एलर्जी है। अंदर क्यों? ऐसे कैसे अंदर ले जाए? उस दिन आपने मंगलसूत्र फेंक कर इसे अपने साथ तो ले गए थे ना? अब बिना मंगलसूत्र के हम इसे अंदर आने नहीं देंगे, पहले मंगलसूत्र पहनाओ। तू रुक जरा, आप दो उसे। थोड़ा मुस्कुरा नहीं सकते क्या? अरे यहाँ घूमो ना। वैसे मंगलसूत्र की गांठ 3 बार बांधी जाती है, पर मैंने 6 बार बांधी है, इस बार तेरा बाप भी नहीं निकल पाएगा। हाँ
दिल है अजूबा, इस दिल में जो भी डूबा उसको कोई होश है कहाँ। मेरे यार ये है प्यार, दिल की ये बातें कोई जाने ना दिल के सिवा। डबल बेरिंग रिक्शा भी नहीं टिकती,
तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? समझ गई? बड़ा मजा आया होगा ना? ए, क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही मैं होने दूंगी। सपने में भी ऐसा कभी मत सोचना। मैं अपने बाप की इज्जत बचाने आई हूँ, घर बसाने के लिए नहीं आई हूँ। आया सिवाय रिक्शा जैसा सुहागरात के बिना शादी रहसी। क्या कुछ भी नहीं हुआ था रात में? अगर कुछ होना है तो कैसे होगा तू ही बता, हमें क्या करना होगा? मैं बताती हूँ। जैसे मक्खन को गर्म करने से घी बनता है, वैसे ही दानी को तंग करने से काम बन जाएगा। क्या? कैसे चिढ़ा सकते हैं उसको? अरे उसके पास तो हम लोग जा भी नहीं सकते। हम लोग जाएंगे तो हम लोग मेरे होते हुए चिंता कैसी? यहाँ तो तेरा पति भूख से मरा जा रहा है और एक तरफ तू है कि पेट भर के खाई जा रही है। मेरी बुआ अक्सर कहती थी कि ऐसी लड़कियां अगले जन्म में अंधी बनकर पैदा होती हैं। मेरा भी यही श्राप है। तो जैसे मर्द को खाना खिलाने के लिए उसकी क्या जरूरत है? मैं हूँ ना। अगर ये खाना नहीं पकाएगी तो क्या हुआ? मैं अभी अभी पका कर लाई हूँ गर्मा गर्म, तुम खाओगे ना? नहीं खाऊंगा, तू देख कैसे खाता हूँ। कोई बात नहीं, धीरे से खिलाओ। मैं खिलाती हूँ। अरे रे, नली ऐसे नहीं खाते हैं। तो फिर चबा कर थूक देते हैं। इतना बड़ा हो गया तो भी खाना नहीं खाना आता। चल मैं सिखाती हूँ। आओ यहाँ बैठ कर खिलाती हूँ। क्या राजा मेरे गोद में बैठ गए? चलो ठीक है सिखाओ। यूं ही बैठने का मन हुआ तो बैठ गया। मेरी गोद में बैठना बड़ी बात नहीं है, तू चाहे तो बैठ सकता है। धीरे खिलाने के लिए कह रहा हूँ, तो तू इतनी जल्दी जल्दी क्यों खिला रही है? क्या कर रहे हो राजा? मेरी उंगली काट ली तुमने। क्या करूँ, मछली जैसी दिख रही थी तो काट ली। गाल क्यों काट रहे हो? छोड़ो ना राजा, छोड़ो ना। ए सुनो सुनो, मेरी बात तो सुनो। जब निर्मला मेरे पति के साथ मेरे घर में मस्ती कर रही है तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी? पत्नी के होते हुए दूसरी औरत के साथ मस्ती कर रहा है, भले ये कहाँ का न्याय है? ए मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ। बताइए बताइए। हाँ, बताइए तेरी तो देख रहे हैं ना आप लोग। ए ये देख, मेरा उसके साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है और मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है उसके लिए। आहा, मैं तेरे दिलो दिमाग के बारे में नहीं बल्कि ये पूछ रही हूँ कि तेरा मेरे घर में क्या काम? तुझसे पहले उसका ख्याल उसकी बुआ रखती थी, लेकिन उसके बाद तेरा फर्ज है कि उसका ख्याल रखे, उसकी सेवा करे, लेकिन तू नहीं करती इसलिए मैं उसका काम कर रही हूँ। इसमें गलत क्या है? लगता है कुछ गलत ही है। ऐसा क्या काम है जो तू ही कर सकती है, उसकी बीवी नहीं कर सकती है? उसे बताओ, वो सारा काम करेगी। हाँ बताओ उसे। हाँ बताओ ना। सुबह सुबह पूरे घर की सफाई करनी है। जरूर करेगी। करेगी। गर्मा गर्म खाना पका कर उसको खिलाएगी। हाँ, खिलाएगी खिलाएगी। लगता है आज घर को जला कर रहेगी। ए अरे वाह, लगता है आज बहुत बढ़िया खाना बनाने वाली हो। आज लग रहा है कि मैं मर्द हूँ और तू मेरी बीवी। ले पकड़। ओ, अरे लक्ष्मी माँ होती है मछली, इसका इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है। शादी के बाद तुम्हारे हाथों से पहली बार मछली खाने का मन कर रहा था। इसके सर के टुकड़े करके करी बनाओ और बाकी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे फ्राई करो, टेस्टी लगेगा। पकड़ो इसे। ये जिंदा हिल रही है। हाँ, कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं, कभी कभी काट भी लेती हैं। चलो पकड़ो इसे। अरे ये क्या, तो पहले से ये गलती कर रहा है। ये कह रही है ना कि मुझसे नहीं आता नहीं आता, तो अभी तुम कह रहे हो कि नहीं पकाओ पकाओ, मैं बना कर लाती हूँ। तू मेरे घर के मामले में टांग क्यों उड़ा रही है? यही तो मेरा काम है, अगर तू नहीं बना सकती तो मैं बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने घर का काम खुद कर लूंगी। ये की ना तूने मेरी पत्नी वाली बात। आज दोपहर को रिक्शा स्टैंड से मैं अपने कुछ वीआईपी दोस्तों को बुलवाता हूँ, खाना पका, तब तक मैं नदी पर जाकर नहा कर आता हूँ। तब तक मच्छी बन जानी चाहिए और हाँ, मसाले की खुशबू वहाँ तक आनी चाहिए। रामचंद्र कह गए जिया से ऐसा कल जुगाएगा। अरे राजा सुनो, अगर वो बनाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं बना कर लाती हूँ। इसे बनाना हो बना ले। नीचे गिरा दी। ले पकड़ 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 इसे धो। मछली अवतार नारायण,
पकड़िए। अरे, डायमंड का हार पहनकर इधर उधर घूमने वाली आप ऐसे काम करते समय उस भिखारी की तरह लग रही हैं जो रास्ते में दे माई करके भीख मांगता है। शट अप, इस काम से भी घटिया है तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द। तुम अपनी बकवास बंद करो। हाँ, आज जापान में हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरने का दिन है और तूफान में हजारों लोगों के मरने का दिन है। सुनिए साहब के इस जन्मदिन की पार्टी में आने वाले सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। ससुर के दोस्तों, उनके जन्मदिन पर आने वाले मेहमानों, मुझे मेरे ससुर ने नहीं बुलाया लेकिन मैं फिर भी आ गया। अब मैं सबकी ऐसी तैसी करूंगा। गाना थोड़ा अजीब रहेगा मगर डांस बड़ा अच्छा होगा। आ जाओ मेरे वास्को डी गामा। सुन ले जग सारा, इस महफिल में ये मेरा ऐलान है खुला। एक पैक विस्की पी लो जरा। मेरी प्रिय सी, मेरी प्रियतमा, मेरी प्यारी सजनिया, सुंदर है परियो सी, कोमल है कलियो सी, नखराली नखराली अदा भी है थोड़ी सी। इस राजा की रानी की बया करूं मैं क्या इनकी, ये लड़की है मेरी जाने मन जाने तमन्ना। हा पापा के घर से तू आ जा, नाता सब तोड़ के तू आ जा। पापा के घर से तू आ जा, नाता सब तोड़ के तू आ जा। झूले के जाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, मुंबई की सैर कराऊंगा तुझको, मैं अपने संग पिक्चर भी तुझको ले जाऊंगा। ओ बेबे, ओ बेबे, ओ बेबे, ओ बेबे, पापा के घर से तू आ जा, नाता सब तोड़ के तू आ जा। की बोतल की खाके कसम आज कहता हूं तू मान ले कहना ये मेरा। ओ बेबे, ओ बेबे, ओ बेबे, ओ बेबे, पापा के घर से तू आ जा, नाता सब तोड़ के तू आ जा।
तरह रखूंगा, पलकों पे बिठाऊंगा, सब ख्वाहिश सनम तेरी करूंगा पूरे। दिल का मैं शहजादा हूँ, मजनू से थोड़ा ज्यादा हूँ, तू हंसी अगर है सबसे मैं भी ना बुरा। पैसों के पीछे तो दुनिया ये भागती, जान ले जाने जा मैं नहीं लालची, है प्यार का धन मेरे पास इतना कि जीवन पड़े कम, प्यार इतना लुटाऊ। ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी ओ बेबी, पापा के घर से तू आ जा, नाता सब तोड़ के तू आ जा, पापा के घर से तू आ जा, नाता सब तोड़ के तू आ जा। चूल्हे के जाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, मुंबई की सैर कराऊंगा तुझको, मैं अपने संग पिक्चर भी तुझको ले जाऊंगा। ओ बेबे धीरे रगड़ना नहीं तो पानी में घुल जाएगी। ए तुम मुझे कुछ मत बताना, मुझे जैसा आता मैं वैसे ही बनाऊंगी। ठीक है ऊपर भी रगड़ो। ये उसकी लाश को मैं अपने राजनीति में यूज करूंगा। साहब आप अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में भूल रहे हैं, वो आपका दामाद है। हट, ये खबर फैला दूंगा कि मेरे विरोधियों ने उसे मार डाला है, मर्डर मैं उसका करके ही रहूंगा और फिर जरूर जीत जाऊंगा, सब वोट मुझे मिलेंगे, मुझे सब मजदूर मुझे ही वोट डालेंगे, मैं ही जीत जाऊंगा, फिर मैं रातों रात मंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मेरे दिमाग में फिल्म बन गई है बस। मैं जिस दिन बाहर आऊंगी सीधा अपने गांव ही जाऊंगी और मैं ही साबित करूंगी कि मैं निर्दोष हूं, बिल्कुल निर्दोष हूं। नहीं बहन जी वो काम मत करिए, वहां पर कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा, वो दरिंदे हैं, इंसान नहीं है, हैवान है, उन लोगों ने पूरे गांव को भड़का दिया है, वो आप जैसे शरीफ लोगों की बात नहीं समझेंगे, वो फिर से आपको जेल करवा। ऐसी बात नहीं है, मेरी माँ का बाहर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी मेहनत करनी होगी, मेरी माँ निर्दोष है ये साबित करना ही पड़ेगा, मैं किसी तरह उस राव से सच उगलवा कर ही रहूंगा। राजा भैया, रुको। Oh, my God.
कौन है ये लोग? नहीं जानते। आप जैसे राजनीतिज्ञ जब हत्या करने उतरते हैं तो हम जैसे मजदूरों के रिक्शे के टायर विष्णु चक्र बन जाते हैं, ये वही है। हाँ 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 सीएम साहब, आपकी पार्टी के नेता ने मुझ पर हमला करवाया, इस बात के गवाह हैं ये लोग। अगर आपने तुरंत उन पर सही एक्शन नहीं लिया तो आपकी सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दूंगा। सपोज, समझ गए ना वास्को डी गामा? चलता हूँ। पहले आप हाथ मुंह धोकर आइए। मैं अपने घर पे हूँ या किसी और के घर आ गया हूँ? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? लीजिए ना। अरे अब मैं दिखाती हूँ, ये दूध में निर्मला को पिलाकर उसे अपने पति की बाहों में कैद कराकर सारी दुनिया को दिखाऊंगी और फिर आएगा मजा। सबको इन दोनों की रासलीला दिखाकर मुझे मौका मिल जाएगा यहाँ से चले जाने का। इसने क्या प्लान बनाया है? रानी? रानी? हाँ, आ रही हूँ। क्यों बुलाया था मुझे? निर्मला, एक औरत की मजबूरी दूसरी औरत ही समझ सकती है। तुम दोनों के दिल में अगर कुछ नहीं है तो ये दूध तुम्हें पीना ही पड़ेगा। पी लो। दूध पिलाने के लिए इतनी बातें क्यों करना? मैं पी लेती हूँ। नारद ने कहा है अगर दो औरतें आपस में मिल जाएं तो आकाश को भी लूट सकती हैं। वैसे तुम दोनों क्या लूटने वाली हो? तो चुप कर राजा, हम दोनों ने पुरानी बात भुला दी है और हम एक हो गए हैं। तू क्यों शक कर रहा है? तू भी क्या पागल लड़की है, सबकी बातों में आ जाती है। अरे ये कोई बोर्नवीटा पीने की चीज है? रानी, वो वाला बोर्नवीटा लेकर आओ जिसे मैंने संभाल कर रखा था। तुम्हारे हाथों से पीने की इच्छा हो रही है, जाओ ना। ठीक है, इसे मैं पकड़ लेता हूँ। ये क्या है? वो बंद कर। वास्को? वो बंद कर। माफ कर दीजिए, ब्रोनविटा खत्म हो गया। कोई बात नहीं, जो नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, जो है उसी को पी लेते। लो इसे तुम पी लो। हाँ। और इसे तुम, बड़ा मजा आएगा, पी लो। अरे मेरी माँ, उससे बचा ले। अरे तुम बाहर कहाँ जा रही है? ग्लास पकड़, मैं तो चली। अरे तुम कहाँ छोड़कर जा रही हो? अरे रुको तो। राजा, अरे देखो ना, पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं राजा, देखो तुम जाओ अंदर, मैं जा रही हूँ। अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? खोल। ए मेरे पति देव, आओ ना। अरे स्वर्णलता, अरे कोई है, दरवाजा। इधर आओ ना, आओ ना राजा। डरो मत मुझसे, आओ ना राम। अच्छी राजा, राजा। अरे राजा, I love you। Thank you.
रुक है मिलन के देखो सर आओ इसमें खो जाए हम बस जरा तो आने दो ना हाँ चैन मेरा खो जाने दो सो हो गया वो सोच सोच कर कब तक रोएगा रिक्शा कभी ना कभी पंचर तो होता ही है शादी के बाद ऐसा होता ही है ऐसा सभी के साथ होता है कभी ऐसा ना कभी। सभी के साथ होता है पर तेरे साथ तो एक आलसी के दिन ही हो गया मैं क्या करूं आज तक मुझे मेरे शरीर पर घमंड था लेकिन ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे दोस्त भूल जा बड़े लोगों के सारे काम बिना तैयारी के ही होते हैं वो तो ठीक है नॉमिनेशन कैंसल क्यों व्हाई अब तक आपके ऊपर ढेर सारे मर्डर केस चल रहे हैं और आपने अपने दामाद का हाल ही में मर्डर करने की कोशिश भी की थी और ये बात इलेक्शन ऑफिसर को पता चल चुकी है हाँ मैंने नहीं बोला है इसीलिए आपका नाम हटा दिया गया है और इसी वजह से आप चुनाव से दूर कर दिए गए हैं बहुत अच्छी खबर सुनाई हाथ मिला जल्दी हाथ मिला हाथ मिला ना आपने मुझसे हाथ बहुत बड़ी गुड न्यूज सुनाई तूने आज मैं बहुत खुश हूँ आजाद हूँ मैं आजाद पंछी हूँ मैं आज से मुझे आराम मिल गया आई डोंट केयर फॉर एनीबॉडी
अब पता चलेगा कि ये कह रहा हूं भी क्या चीज है। ए दरवाजा खोलो, रुको, रुको, रुको। मेरी माँ छूटने वाली अंदर है, नहीं जा सकते। अरे अरे बड़े भाई, क्या है? अच्छे हैं आप? अच्छा, मैं अपनी माँ को लेने आया हूँ, वो आज छूटने वाली है। क्या है, तेरी माँ तो कल सुबह यहाँ से छूट गई। कल सुबह? हाँ, तेरी बीवी रानी वही तो यहाँ से लेकर गई। रानी, क्या है? मेरी माँ को यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हारी माँ को भला मैं क्यों लाऊंगी, वो यहाँ नहीं है। नहीं है? नहीं है। तुम्हारी माँ के नाम से मुझे चिढ़ है, मैं क्यों उन्हें जाकर यहाँ ले आऊंगी और कहूंगी सासू माँ आप मेरे घर चलिए, क्या वो कोई पतिव्रता है? इज्जत से बात करो। क्यों, तुम्हारी माँ खूनी नहीं है? उसने अपने पति का खून नहीं किया? बताओ, उसने अपने पति को मारा है। एक बार नहीं कहूंगी, हजार बार कहूंगी। तुम्हारी माँ खूनी है, हत्यारिन है, दुनिया जानती है, सच है, मैं बार बार कहूंगी। सूरज की रोशनी देखने की ताकत कुछ लोगों में नहीं होती, और उन्हीं घटिया लोगों ने मेरे परिवार को बदनाम किया है। गरीबों को सताने और उनका खून चूसने वाले तेरे बाप और उसके भाइयों ने मिलकर मेरे माँ बाप के ऊपर इल्जाम लगाया था। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मार, मार उसे, चमड़ी उधेड़ दे उसकी। मेरे पति को बचाओ, मार उसे, चमड़ी उधेड़ दे। चाची सुनिए, इस तरह से अंदर जाओ। बचाओ मेरे पति को, उसे मार डालेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माँ जी नीचे गिर रही थी, बस उन्हें गिरने से संभाला था मैं। मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत मारो। छोटे भाई, इस हरामजादे ने तेरी भाभी को अपने हाथों से छुआ है, इसके दोनों हाथ काट डाल। मजलूमों की रक्षा करने वाला मसीहा है तू, तू ही है कानून और खुद ही फैसला है तू। तूफान का रुख मोड़ दे जो ऐसा जलजला है तू, जान बचाने वाला सबका रखवाला है तू। अगर उसकी गलती है भी तो तुम लोग उसके हाथ काट रहे हो, तो सोचो तुम्हारे गुनाहों की सजा क्या होगी। इतने बलात्कार, इतनी हत्याएं, कितने सारे गुनाह किए हैं तुम लोगों ने, उनका हिसाब चुकाने के लिए तो मुझे तुम्हारे शरीर के न जाने कितने टुकड़े करने होंगे। तुम लोग तो गरीबों को जिस तरह से सताते आए हो, उसके लिए बहुत ही जल्द तुम्हारे खून से हर गरीब के घर में दिए जलाऊंगा। यही मेरा धर्म है, ये धर्म देवा की धर्म रेखा है, इसे तुम्हारे पापों के अनुसार खींच रहा हूं। यही तुम सब लोगों के लिए आखिरी चेतावनी है। गरीबों का दाता तू, भूखों का अन्नदाता तू, दानवीर शूरवीर न्याय की तस्वीर तू, अंधकार में देता सबको। उससे कुछ कहना चाहती हो? अब भैया, वो क्या है कि कोई एक बोलो। भैया, पार्वती माँ बनने वाली है
और तू जल्दी बाप बनने वाला है। सुनो, ऐसी हालत में हर लड़की के मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जल्द से जल्द मैं आपकी बहन की शादी करना चाहती हूँ। अरे बहू, वो तेरे पेट में पलने वाले बच्चे के बारे में पूछ रहा है। हाँ, मेरे सामने जो बच्चे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तेरे हाथ से मंगलसूत्र लिए बिना कोई इस गांव में शादी भी नहीं करता। उसी तरह हमारे परिवार में जब तुम्हारी बहन की शादी पास आ रही है, ऐसे समय में घर में इकराम सोना भी नहीं है। मालिक नमस्कार। क्यों चंद्र भैया, तेरी पोती की शादी कब है? परसों होगी मालिक। किसी की भी शादी हो, सब आपके घर से मंगलसूत्र लेकर जाते हैं, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। बेटी को आशीर्वाद दीजिए। पति धर्म निभाना ही पत्नी का सबसे बड़ा धर्म होता है, याद रखना। 100 साल तक जियो। देवाजी, आपकी दया से मेरा काम ठीक ढंग से चल रहा है, आपकी ही कृपा है। आपकी ही वजह से मेरी नौकरी बच गई है। आपके काम को किसी और ने नहीं बल्कि आपकी ईमानदारी ने बचाया है। धर्मराज जी आप ही हैं क्या? हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। इश्क करने आए हैं? किस लिए? इसलिए ये जबरदस्ती मेरे घर में घुस आया और मेरी तिजोरी से जेबरात कागजात सारे लेकर भागा। और जब तुम्हें रोकने की कोशिश की तो मेरे और मेरे भाई को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी क्या? अगर मैंने सचमुच तुम्हें मारने के लिए तलवार उठाई होती तो तुम लोग इस समय सही सलामत मेरे सामने नहीं खड़े होते। मैं सबके सामने कसम खाकर कह रहा हूँ, इसने मेरे घर में घुसकर मेरे आंखों के सामने मेरी बीबी की इज्जत लूटी। नहीं लूटी थी क्या? देख रहे हैं ना, मैंने सच ही कहा था। देखिए किस तरह सर झुकाए खड़ा है। देखो, मेरी बीबी भी आ चुकी है, अब वही आप लोगों को सारा सच बताएगी कि ये धर्मदेवा कितना घटिया कितना नीच आदमी है। अरे ओ बोल, ये धर्मदेवा ने तेरी इज्जत लूटी थी या नहीं? इज्जत लूटी थी या नहीं? बोलती क्यों नहीं? खामोश क्यों है? बोल, बता सबको। हाँ वो नहीं माँ जी, आप चुप रहिए, आप बीच में मत बोलिए। कोई स्त्री अपनी बुराई नहीं करती, यह सर्वनाश की निशानी है। कोई स्त्री जब अपनी इज्जत को लेकर बाजार में बैठती है तो यह धरती सहन नहीं कर सकती, फट जाएगी। तू ये झूठा इल्जाम मान लेगी तो इस गांव के लिए अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लो मुझे। रुक जाइए। इतने दिनों तक इस गांव की भलाई के लिए इन जालिमों के जुल्मों को बर्दाश्त किया है और आज मैं एक औरत की इज्जत के लिए इस निंदा को बर्दाश्त करता हूं। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लो मुझे। सत्यम वद धर्मम चर न्याय पे अडिग रहो, तुम सच की राहों पे चलते सदा रहो। अन्याय अधर्मों से लड़ते सदा रहो, जीत है तुम्हारी ये निश्चय।
निश्चित है, जीत है तुम्हारी ये निश्चित है। दस लोगों के आंसू पोछने वाले धर्मदेवा के घर में कोई भी आंसू नहीं बहाएगा। क्या हुआ? 6 महीने जेल में खुशी से रहकर आया हूं। मेरे लिए घर के लोग अंधेरे में रहे, ये मुझे पसंद नहीं। बहना, बहना, वसुंधरा पांव धोने के लिए पानी लाओ। वसुंधरा, कहाँ हो तुम? ये क्या है? हर रोज आपके पैरों को पानी देने वाली आपकी बहन वसुंधरा अस्थियां बंद कर पानी में मिलने के लिए तैयार है। 100 साल तक जीने वाली उस वसुंधरा को उन राक्षसों ने अस्थियां बना दी अस्थियां। तेरा भाई जिंदगी भर रोएगा, मैं देख तेरी क्या दुर्दशा करता हूँ। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो भैया। माँ, माँ, नहीं, छोड़ दो मुझे। अब ढूंढूं मैं कहां, छुप गई है जान मेरी बहन तू कहां। ढूंढूं ढूंढूं तुझको अब ढूंढूं मैं कहां, छुप गई है जान मेरी बहन तू कहां।
पूरी कैसे होगी ये तेरी कमी, कोई भी तो तेरे जैसी नहीं। बहना ओ बहना ए जान मेरी, बहना ओ बहना ए जान मेरी। ने अपने निजी स्वार्थ के लिए भगवान जैसे पति धर्मदेवा को मार डाला, इसे पुलिस के हवाले करो। मुझे तुम्हारा रोना नहीं चाहिए। मेरी माँ कहाँ पर है बताओ, मेरी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है? अपने पिता की बातें सुनकर मैंने उन्हें अपने पिता के हवाले कर दिया। आज आपके पिता की बरसी का दिन है, आपके माँ को उसी गांव में ले जाकर गांव वालों के सामने पेश करने वाला है मेरा बाप। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। वही मक्कार औरत है जिसने अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने पति धर्मदेवा का खून कर डाला और आज अपने आप को यह निर्दोष साबित करना चाहती है। डायन, इस जैसे पापिन के खून से हम इस धरती को पवित्र बनाएंगे, तभी धर्मदेवा की आत्मा को शांति मिलेगी और उनकी कृपा से फिर इस गांव में खुशहाली आ जाएगी। इस हत्यारिन को सब मिलकर सजा दो। Thank you.
मेरे पिता धर्मदेवा ने इस गांव के लिए अपनी जान की बलि दे दी थी, उनके पुण्य कार्यों के बदले में आप उनकी पत्नी को मार रहे हैं। जिस आदमी ने मेरी माँ को दोषी बनाया है, आज उसी के मुंह से सच उगलवा कर रहूंगा। तेरी बात में नहीं आने वाला गांव के ये भोले भाले सारे लोग। तुम दोनों की मौत इसी जगह पर लिखी है, यहाँ इसलिए यहाँ पे आए हो। चाहिए इस गांव के लोग भी नहीं। अरे गांव वाला सुनो, बोलता हूँ इसके पहले मैंने जो कुछ भी कहा था झूठ था। देवाजी की हत्या मैंने की, उनकी पत्नी बेगुनाह है, उनकी बहन को भी हमने मारा था, मुझे माफ कर दो। मैंने हत्या की है गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा कर दो गांव वालों, मुझे माफ कर दो। போட்டுடுறா